पूज्य दादा के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। पूज्य साधु वासवाणी जी ने जिस भगीरथ कार्य को अपने जीवन मंत्र के द्वारा बोया था, उस कार्य को पूरी निष्ठा और लगन के साथ पूज्य दादा ने हम सब तक पहुंचाया है। मुझे कभी कभी लगता है कि गुरु मिलना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन बहुत ही कम गुरु भाग्यवान होते हैं जिन्हें ऐसे शिष्य मिलते हैं रामकृष्ण परमहंस को विवेकानंद जी अगर शिष्य में न मिलते तो सवाल मन में उठता है। साधु वासवाणी जी को दादा वासवाणी जैसे शिष्य न मिलते तो इसलिए कभी कभी तो लगता है कि गुरु के एक शब्द के लिए, गुरु के एक मंत्र के लिए अपनी सारी व्यक्तिगत इच्छाएं आकांक्षाएं समर्पित कर देना और उस मिशन में समाहित हो जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी तपस्या है। जिसके चरणों में बैठना है इसके लिए भी जन्मों जन्म तपस्या करनी पड़ती है। आज मुझे उनके बगल में बैठने का सौभाग्य मिला है। ये मेरी योग्यता के कारण नहीं है, न ही मेरे पद के कारण है। ये सौभाग्य उसकी महानता के कारण है, दादा की ऊंचाई के कारण है, दादा का जीव मात्र के प्रति जो प्रेम है उस प्रेम के विस्तार का ये प्रसाद है, ऐसा मैं अनुभव करता हूं। दादा से व्यक्तिगत जो बातें हुई मैंने कल्पना तक नहीं की थी कि दादा मुझे इतना प्यार करते हैं। अगर आज मैं यहां रूबरू ना आता तो शायद इस आध्यात्मिक प्रेम की अनुभूति का स्वाद मेरा अधूरा रह जाता। दादा से आज मैं करीब 23 साल के बाद मिला हूं। अमेरिका में एक वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस के लिए मैं गया था, पूज्य दादा वहां थे और मुझे घंटों तक दादा के साथ बिताने का उस समय सौभाग्य मिला था। और कभी कभी लगता है कि संतों का थोड़ा सा स्पर्श भी आपके जीवन को स्पार्क दे देता है। हो सकता है मेरे जीवन में भी ऐसी कोई प्रेरणा आई होगी जिसने मुझे सही रास्ते पर जाने का सामर्थ्य दिया होगा। 95 ईयर उस जन्मदिन के समारोह के निमित्त, उसके प्रारंभ निमित्त मुझे आ जाने का सौभाग्य मिला है।
उसका गौरव, उसका सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा। और जैसे महात्मा वहां के जीवन में सहज है और हमारे जीवन में सहज है। तेन तक्तेन भूंजी था, त्याग करके भोगने की कल्पना, ये हमारे संस्कृति में, हमारे संस्कार में, हमारी विरासत में है। दादा ने हमें 7 सूत्र आज दिए हैं, उन 7 सूत्रों का एक बिंदु महत्वपूर्ण जो है वो है सेवा और समर्पण के भाव को विविध विविध प्रवृत्तियों के द्वारा से कैसे सशक्त किया जा सकता है। साधु वासवाणी जी की बात आती है तो जीव दया की चर्चा जरूर आती है। मेरा मन करता है मैं शायद किन संतों के आशीर्वाद होंगे कि कुछ काम ऐसे मेरे से हो रहे हैं कि मुझे लगता है कि होता है आपको जानकर के आनंद होगा। और पूज्य दादा के मुझे भरपूर आशीर्वाद मिलेंगे। गुजरात में हम कैटल के भी कैटरेक ऑपरेशन करते हैं, जीव दया के इस काम को इतनी भक्ति पूर्वक मेरी सरकार में हमने माहौल बनाया है कि छोटे से भी वेदर चेंज के कारण पशु को अनेक बीमारियां हो जाती हैं। ये लगातार प्रयासों का परिणाम है कि 112 से अधिक बीमारियां जो पशु को हुआ करती थी गुजरात प्रदेश में, उसको टोटली इरेडिकेट कर दिया गया है। पूज्य दादा कन्या शिक्षा के लिए कहते आए हैं, साधु वासवाणी जी ने कन्या के लिए कहा है। मैं इसलिए कहता हूं, मुझे अपनापन महसूस होता है, शायद उसी के कारण महसूस होता है। और मैं यहां मुख्यमंत्री के रूप में नहीं आया हूं, वो चीजें मैं गांधीनगर में रखता हूं। और मैं मुख्यमंत्री तब होता हूं जब किसी फाइल पे साइन करता हूं, बाकी मैं कभी भी मुख्यमंत्री नहीं होता हूं। वो एक जिम्मेवारी है तो मुझे निभानी पड़ती है। जब पहली बार मुख्यमंत्री बना और मेरी पहली मीटिंग थी तो मेरे अफसरों ने मुझे बताया, गुजरात में गर्ल चाइल्ड एजुकेशन की स्थिति के संबंध में बताया,
आई वॉज शॉक. हम बहुत पीछे थे. गुजरात जैसे समृद्ध राज्य में 21वीं सदी के प्रारंभ में गर्ल चाइल्ड एजुकेशन में हम पीछे थे. मुझे इतनी पीड़ा हुई. एक तरफ तो मैं नया नया मुख्यमंत्री बना था, मालाएं पहन रहा था, अखबार के पहले पन्ने पर तस्वीर छप रही थी, टीवी में चमक रहा था, लेकिन मुझे रात को नींद नहीं आती थी. कि मेरे राज्य में कन्याओं की शिक्षा में इतने पीछे हैं. हमने उसे एक मिशन के रूप में लिया और दादा के चरणों में बात निवेदन करते हुए मुझे आनंद होता है कि आज हम स्कूल जाने योग्य बेटियों को 100% स्कूल में ले जा रहे हैं. मैंने पाया बेटियां स्कूल में तीसरी चौथी कक्षा में आते आते स्कूल छोड़ देती हैं. मैंने खुद ने अध्ययन किया, भाई ये क्यों बच्चियां स्कूल क्यों छोड़ रही हैं. तो ऐसी चीज ध्यान में आई जो शायद दिलो दिमाग में मुख्यमंत्री पद भरा होता तो नहीं दिखाई देता, लेकिन सर्वेंट का भाव भरा पड़ा था तो दिखाई दिया. और कारण यह था कि स्कूल के अंदर बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट नहीं था. अब बताइए क्या कैसी गलतियां हैं. मैंने काम उठाया, हजारों की तादाद में स्कूल के अंदर बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट बनाया और उसका परिणाम यह हुआ बच्चियां जो स्कूल में ड्रॉप आउट होता था बंद हो गई, बच्चियां पढ़ने लग गई. अगर हम पूरी तरह एक मिशन मोड में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हमें समस्याओं का समाधान मिलता है और समस्याओं का समाधान करने के लिए ईश्वर भी हमें मदद करता है. हमारे देश में चाहे जीव दया की बात हो, चाहे कन्या शिक्षा की बात हो, चाहे एम्पावरमेंट की बात हो, हम ये न भूलें विश्व के जितने समाज हैं सभी समाजों में पुरुष भगवान की कल्पना है. विश्व की हर समाज की मान्यताओं में पुरुष भगवान की कल्पना है. एक अकेले अपवाद हम लोग हैं जहां नारी भगवान की कल्पना है. यहां लक्ष्मी है, सरस्वती है, दुर्गा है, काली है, सब कुछ है. और कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि ईश्वर की जो पूरी कैबिनेट है वो तो सारी कैबिनेट महिलाओं के पास है. फाइनेंस मिनिस्ट्री तो लक्ष्मी जी, एजुकेशन तो सरस्वती, होम डिपार्टमेंट तो काली. अब देखिए ये हमारे पूर्वजों ने कैसी व्यवस्था खड़ी की है. जिस राष्ट्र के जीवन में नारी का इतना गौरव होता हो, नारी को भगवान के रूप में स्वीकृत किया गया हो, उस देश में जब कभी ऐसी बुरी घटनाएं सुनने को मिलती है माताओं बहनों के प्रति, मन को कितनी पीड़ा होती है, कितना दर्द होता है. पश्चिम की दुनिया क्या कहती है? पश्चिम की दुनिया कहती है लीव लेट लीव, जियो और जीने दो. और उसको भी दुनिया में बहुत सराहा गया है, महान माना गया है, लेकिन हम वहां नहीं अटकते हैं. ये विशेषता है हमारी संस्कृति की. हम कहते हैं जियो जीने दो, और गुजराती में मैं अगर कहूं तो कहते हैं जीवो जीवा दो अने जीवाडो. यानी अगर उसके अंदर जीने का सामर्थ्य नहीं है तो उसको जीने के लिए सामर्थ्य दो. हम एक कदम आगे हैं. सिर्फ जियो और जीनो दो कहकर के अटकते नहीं है. दुनिया में टॉलरेंस की बात होती है. पश्चिम में कहा जाता है टॉलरेंस यानी बहुत बड़ी बात है. हमारी संस्कृति हमें उससे आगे ले जाती है.
हम सिर्फ टॉलरेट करते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है यार ऐसा ही है, टॉलरेट कर लो। टॉलरेंस ये हमारी यात्रा का अंत नहीं है। हम एक्सेप्टेंस वाले लोग हैं। हम टॉलरेंस से भी एक कदम आगे, हम स्वीकार करते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं, उसको गले लगाते हैं। हमारे यहां मनुष्य जीवन को अहम से वयम की तरह, हमारे यहां तो नर करनी करे तो नारायण हो जाए, ये कल्पना की गई है। हमारे यहां गरीब की सेवा को भी दरिद्र नारायण की सेवा कहा गया है। जनसेवा ये प्रभु सेवा की कल्पना हमारे यहां की गई है। और इसलिए इस महान स्पिरिचुअल विरासत जो हम लोगों को मिली है, हम अगर उसको जीने का प्रयास करें, जानने का प्रयास करें। मैं नहीं मानता हूं कि मानव जात के कष्ट को दूर करने के लिए कोई और नए विज्ञान को खोजने की जरूरत पड़ जाएगी। और उस काम को एक मिशन की तरह, एक समर्पण भाव की तरह, पूज्य दादा के मार्गदर्शन में आज एक बहुत बड़ी तेजी से चल रहा है। आज मेरा सौभाग्य है, मुझे एक नर्सिंग कॉलेज के उद्घाटन का सौभाग्य मिला है। आज मानव सेवा के जो अनेक क्षेत्र हैं उसमें नर्सिंग का क्षेत्र सिरमौर के रूप में है। दर्द से कराहता हुआ इंसान को दवा भी मिले, दुआ भी मिले, ये दोनों काम और सेवा एक मिशन के रूप में। और जब इस प्रकार के मिशन एक्टिविटी से निकलती हुई नर्स आएगी तो एक परमात्मा रूप बनकर के आएगी। और उस काम को आज दादा ने आरंभ किया है। पूरे विश्व को आज नर्सिस की जरूरत है। पूरे विश्व में ये एक ऐसा प्रोफेशन है, लोग नहीं मिल रहे हैं। मानव कल्याण के इस महान काम के लिए पूज्य दादा के द्वारा जो प्रयास हो रहा है वो मानव जात के कल्याण का एक बहुत बड़ा काम करेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। पूज्य दादा ने आज मेरे लिए इतने अच्छी बातें बताई है। मैं दादा से प्रार्थना करता हूं कि उन्होंने जिस रूप में मुझे आपके सामने पेश किया है मुझे वैसा बनने की ताकत दे। और दादा के शब्द कभी गलत नहीं होने चाहिए, ये हमारा दायित्व बनता है और नरेंद्र मोदी का विशेष बनता है कि दादा ने मुझको जिस रूप में पेंट किया है मुझे वैसा बनना पड़ेगा। मैं इस पवित्र धरती पर आया हूं, मुझे दादा के आशीर्वाद मिले, भगवत स्वरूप साधु वासवानी जी के आशीर्वाद मिले, ताकि हम दादा की कसौटी पर खरे उतरे, कहीं कमी न रह जाए, ऐसा एक संस्कार लेकर के मैं यहां से जाऊं। फिर एक बार शताब्दी पर्व पर मैं फिर आऊंगा, सामने से निमंत्रण लेके जा रहा हूं। मैं दादा के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं, आप सबको भी नमन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन शब्दों के लिए। और मेरे ख्याल से भाइयों बहनों इससे